क्योंकि देख आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हाउ टू डाउनलोड डर्ट गिव्स ओपी आइटम इन माइनक्राफ्ट 1.20 जो कि एकदम रेयरेस्ट सॉरी रेयरेस्ट तो नहीं बैठा एकदम ओपी मोड है माइनक्राफ्ट के लिए। क्योंकि इसमें अगर आप लोग किसी भी डर्ट को ब्रेक करते हो मतलब कि तोड़ते हो तो वो डर्ट आपको एकदम ओपी आइटम देने वाली जैसे कि नेदरराइट की चेस्ट प्लेट हो गई वो भी खतरनाक एन्चेंटमेंट के साथ जो काफ़ी ज़्यादा कूल मोड है। आई होप कि आप लोग को ये मोड पसंद आएगा। हाँ ये मोड वैसे काफ़ी सारे बंदे इस मोड के बारे में जानते हैं बट ये इस मोड को डाउनलोड करने के लिए काफ़ी कम वीडियो बने तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे डाउनलोड करते हैं इस मोड को अपने माइनक्राफ्ट में मतलब आप हाँ इसको जावा में भी कर सकते हो प्रोग्रेशन में भी कर सकते हो आपको आज मैं ऐसी लिंक देने वाला हूँ। तो सर अभी हम लोग चलते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे करते हैं। बैठा इस वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं बता दूँ जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो क्योंकि तो वो लिंक आपको यहाँ पर जाएगी मैं उस लिंक की बात कर रहा हूँ जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है तो फटाफट जाकर डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करो वहाँ पर आप लोगों को इस वाली वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी जैसे आप इस मोड को सिंपली डाउनलोड कर सकते हो इस वाली बटन पर क्लिक करने के बाद। अभी यार फटाफट से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एंड आप लोगों को बताता हूँ इसको किस तरीके से हमने माइनक्राफ्ट में जो है उसको डालना है एंड ये वर्क करता है कि नहीं करता है। कैसे यार मैं इसकी 100% गारंटी देता हूँ कि वर्क करता है। तो यार आप लोग जैसे डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे आप लोग कुछ इस वाली वेबसाइट पर आ जाओगे एंड आप लोग को यहाँ पे एक आएगा डाउनलोड अनलॉक यहाँ पे लिखा होगा कंटिन्यू टू डाउनलोड आप लोगों को इसके ऊपर जस्ट एक मतलब क्लिक मार देना है एंड आपका जो डाउनलोड है वो थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा एंड ये लिंक पी और जावा दोनों में वर्क करती है। और हाँ ये इसका 1.20 वर्जन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1.20 लिखा हुआ भी है। तो हाँ ये यहाँ पे एक प्रूफ है इसका मैंने यहाँ पे कंटिन्यू डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है। अभी यार थोड़ी देर में इसके लिए डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने माइनक्राफ्ट में। सर जब आप डाउनलोड कंटिन्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग कुछ ऐसी एड फोकस नाम की साइट पर आ जाओगे आपको इसको भी स्किप कर देना है एंड बस आगे आगे जाते आना है आप लोगों का यहाँ पे मीडिया फायर वाला डायरेक्ट लिंक आ जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो वो भी इतना ना कम मतलब कि 5.85 KB में आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड अब आप जब आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाए आपको इसको ओपन कर लेना है। तो ऐसे फाइल के डाउनलोड होने के बाद आप लोगों को उस वाली लोकेशन पर आना जहाँ पे आप लोगों ने अपनी फाइल को डाउनलोड मतलब करी है उस वाली फाइल लोकेशन पर आना है एंड आप इसको आप लोगों को सिंपली कर लेना है एक्सट्रैक्ट टू ओपी ग्लास मतलब यहाँ पे जो इसको ना एक्सट्रैक्ट कर लेना फाइल को बाय राइट क्लिकिंग। तो यार मेरे पास पहले से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पड़ी हुई है तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली कर लूँगा कॉपी और आप लोग इसको जिस भी आप लोगों को सिंपल क्या करना है यहाँ पे अपना कोई सा भी एक रैंडम वर्ल्ड बनाना है एंड उस वर्ल्ड में वर्ल्ड को बनाने के बाद आप लोगों को जो अपना टी लॉन्चर है उस टी लॉन्चर को यार मैं तो देखो मैंने एक पहले से ही वो एक वर्ल्ड बना के रखा था तो मैं आप लोग चाहो तो कोई सा न्यू वर्ल्ड है अगर आप लोग चाहो आपके ओल्ड वर्ल्ड में तो आप लोग उस ओल्ड वर्ल्ड की मतलब यहाँ पे आप लोगों को जाना है माइनक्राफ्ट में आप लोगों को इस वाली फाइल लोकेशन पर जाना है जो कि आप लोग क्या करना है आप लोगों को ओपन करना पड़ेगा टी लॉन्चर एंड आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि फाइल बनी होगी फाइल के आइकॉन पे क्लिक करना है फिर आप यहाँ पे इस वाली लोकेशन पर आ जाओगे जो मैंने थोड़ी देर पहले खोल के रखी थी एंड यहाँ पे आने के बाद में आप लोगों ने सेव उसमें अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे जितने वर्ड्स थे वहाँ पे सारे के सारे शो करने लग गया है तभी मैं यहाँ से किसी एक वर्ल्ड में यहाँ पे मेरे इस वाले वर्ल्ड में इसको सिंपल में पेक मतलब पेस्ट कर दूंगा। इन सारी फाइल्स को मुझे सिंपल भाई डिलीट कर देना है एंड यहाँ पे अपना पेस्ट कर देना है उस वर्ल्ड को जो हम लोगों ने लिया है यहाँ पे हम लोगों ने इसको कर दिया है पेस्ट और ये हो गया पेस्ट।